नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में आप जानेंगे कि राफेल जेट्स और S-400 दोनों में से भारत के लिए कौन सा गेम चेंजर होने वाला है, खासकर कि अगर युद्ध होता है चाइना और पाकिस्तान के साथ। भारत को इस साल S-400 वायु रक्षा प्रणाली का पहला रेजिमेंट सेट प्राप्त होने वाला है। हालांकि भारत ने जब पूर्वी लद्दाख में तनाव ज्यादा बढ़ गया था तो रूस को स्पेशली कहा था कि वो जल्द से जल्द S-400 को भारत को पहुंचाए, यानी कि उसकी डिलीवरी जल्द से जल्द कराए। लेकिन रूस के साथ कई तकनीकी मुद्दे थे और कई तरीके की उसने यहां पर समस्याएं बोली, जिसकी वजह से वो ऐसा करने में असमर्थ रहा। वहीं भारत ने फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान खरीदे हैं और उनमें से 2 स्क्वाडन स्थापित करने की अब प्रक्रिया चल रही है। S-400 की तरह ही राफेल जेट भी भारत के दोनों दुश्मन चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत के लिए गेम चेंजर के रूप में इन्हें जाना जाता है। S-400 वायु रक्षा प्रणाली, जिसे कि अपनी तरह का सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणाली माना जाता है, ये भारत को आने वाले समय में एक लॉन्ग टर्म सुरक्षा की जरूरतों के हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण भी है। हालांकि राफेल जेट और S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली के बीच अक्सर तुलना भी की जाती है कि कौन सा सैन्य उपकरण भारत के लिए गेम चेंजर हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे S-400 की, जहां भारत ने एक तरफ 36 राफेल लड़ाकू जेट भारतीय वायुसेना में शामिल करने का फैसला लिया है, जो कि लगातार प्रक्रिया में है। ऐसे में उम्मीदें राफेल से भी ज्यादा S-400 सिस्टम पर टिकती हैं। S-400 जिसकी डिटेक्शन रेंज करीबन 600 किलोमीटर है और ये पता लगा सकता है कि पाकिस्तान का कौन सा विमान या मिसाइल हवा में उड़ती है, और ये कम से कम समय में पाकिस्तान से आने वाली किसी भी मिसाइल या फिर एयरक्राफ्ट को हवा में ही उड़ा सकता है। S-400 के सभी रडार, मिसाइल और लॉन्चर्स 8x8 क्रॉस कंट्री ट्रकों पर लगे होते हैं, जिससे उन्हें ट्रैक करना और नष्ट करना मुश्किल हो जाता है। S-400 पर 92N6E इलेक्ट्रॉनिकली स्ट्रीट फेस एरे रडार लगाया गया है, जिसे कि ग्रेव स्टोन भी कहा जाता है। ये 600 किलोमीटर की रेंज में 300 लक्ष्यों का पता लगा सकता है और खतरे और सीमा के आधार पर उन पर 4 अलग अलग प्रकार की मिसाइलों को फायर कर सकता है। S-400 बैटरी में एक लंबी दूरी का रडार, एक कमांड पोस्ट वाहन, टेक्टिकल टारगेट एक्विजिशन रडार और 2 बटालियन लॉन्चर्स की होती है, जिसके हर एक लॉन्चर में 4 ट्यूब्स होती है। भारत $5.4 बिलियन के सौदे में S-400 की 5 रेजिमेंट्स लेगा और एक फुल स्केल रेजिमेंट में 4 बटालियंस होंगी। हर एक बटालियन में 9 लॉन्चर्स और 120 मिसाइल्स होंगी। S-400 मिसाइल सिस्टम में अलग अलग रेंज की मिसाइलें हैं, जिसमें कि पहली 48N6DM, जो कि अपडेटेड वर्जन है 48N6M का, और ये एक पावरफुल प्रोपल्शन सिस्टम पर आधारित है, जो अपने टारगेट को 250 किलोमीटर के रेंज में हिट कर सकती है। S-400 में सबसे लंबी रेंज वाली मिसाइल का नाम है 40N6। इसकी रेंज करीबन 400 किलोमीटर की है। ये मिसाइल अपने एक्टिव रडार होमिंग का इस्तेमाल करते हुए बड़ी दूरी पर हवाई लक्ष्यों को रोक सकती है और अन्य सोफिस्टिकेटेड टारगेट्स के अलावा J-STARS, AWACS, EA-6B सपोर्ट जैमर्स, इनको भी निशाना बना सकती है। और साथ ही अपनी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल में इसमें लगाई गई है 9M962 और 9M96E2, जो S-400 को किसी भी तरीके के एयरबॉर्न टारगेट्स और हाई प्रिसीजन हिट के लिए तैयार करती है, और इसकी रेंज करीबन 120 किलोमीटर है। इस तरीके की मारक क्षमता के साथ S-400 किसी भी दुश्मन के विमान को या फिर उनके मिसाइलों को या फिर स्टील जेट या फिर ड्रोन को 400 किलोमीटर की सीमा के अंदर खत्म कर सकता है। ये सिस्टम स्टील तकनीक वाले जहाजों, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ कई हवाई लक्ष्यों को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है और ये जबरदस्त क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं बात करते हैं राफेल जेट्स की। राफेल जेट्स को शामिल करना भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ही आवश्यक हो गया था। हालांकि जब बालाकोट झड़प हुई थी, उस दौरान भारत को 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स की खास आवश्यकता थी। S-400 और राफेल की भूमिकाएं पूरी तरह से अलग अलग हैं, जबकि S-400 वायु रक्षा की प्राथमिक भूमिका होती है, जिस तरीके से आपने इसराइल में आयरन डोम को देखा होगा। हालांकि ये बहुत कम रेंज के साथ है, लेकिन S-400 काफी एक्सटेंडेड रेंज के साथ आता है। वही राफेल एक मल्टी रोल जेट है, जो आमतौर पर ऑफेंसिव रोल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस फाइटर जेट में एडवांस एवियोनिक्स, रडार और लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम इस फाइटर जेट को एक अनबीटेबल फाइटर जेट बनाती है। दूसरी ओर S-400 स्टील जेट्स, मिड एयर रिफ्यूलर्स या फिर AWACS सहित कई हवाई लक्ष्यों को बेअसर कर सकता है। S-400 मिसाइल सिस्टम के साथ अगर राफेल जेट मिल जाता है, भारत इन दोनों देशों को एक साथ सबक सिखा सकता है और दोनों की जरूरत भारत को है। वही राफेल में काफी उन्नत क्षमताएं हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, अनपैरेलल्ड मैन्युवरेबिलिटी, जो कि राफेल विमानों को खासकर की
पहाड़ी इलाके में युद्ध में एक बड़ी बढ़त दिलाती है, यानी कि ये फाइटर जेट दुश्मन को अंधा करने में सक्षम है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि S-400 भारतीय वायुसेना के साथ लड़ाकू विमानों की कमी की भरपाई करेगा और जो डिफेंसिव बर्डन है यानी कि रक्षात्मक बोझ है उसे भी कम करेगा। S-400 भारत की एयर डिफेंस छतरी की तरह काम करेगा, यानी कि एक रक्षा ग्रिड के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो कि चीन और पाकिस्तान सहित प्रतिकूल खतरों से चौतरफा सुरक्षा प्रदान करेगा। ये प्रणाली S-300 के मुकाबले नई तकनीक रखती है और इसका फायरिंग रेट 2.5 गुना ज्यादा है। तो दोनों ही चीजें यहाँ पर बैलेंस करती हैं, राफेल विमान और S-400। लेकिन S-400 को हम ज्यादा प्राथमिकता इसलिए भी दे सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से भारतीय वायुसेना के पास इस वक्त फाइटर जेट्स की कमी है, ऐसे में S-400 भारत के लड़ाकू विमानों की कमी को पूरा कर सकता है, यानी कि दुश्मन के किसी भी विमान, मिसाइल या फिर उनके कोई भी अवॉक सिस्टम है उन सबको हवा में तबाह कर सकता है। तो यानी कि बैलेंस बराबर है और सुरक्षा का स्तर भी यहाँ पर बराबर है। आपको क्या लगता है दोस्तों इस बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।